हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस देखा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। एक सिस्टम के वजह से एक सेपरेट पार्टिकल के ऊपर क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कैलकुलेट करते हैं। तो उसको कैलकुलेट करने से पहले पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था उसको हल्का सा रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि उसको यूज़ करने वाले हैं। तो तीन चार्जेस है, Q1, Q2 एंड Q3, एंड इनके बीच का सेपरेशन है A, इसके बीच का है B, इसके बीच का है C। ओके, तो इस सिस्टम का पोटेंशियल जी क्या था? व्हाट वाज द पोटेंशियल जी ऑफ द सिस्टम? सिस्टम का पोटेंशियल जी था, सारे पेयर्स का लिख देते तो कितना होता था, K Q1 Q2 by A प्लस K Q2 Q3 by B प्लस के Q1 Q3 बाई सी। ये था। अब इफ यू रिमेंबर इट्स डेरिवेशन, मैंने ये बताया था कि जब पहले 1 को ले आए, 1 को लाने में कोई वर्क नहीं लगा तो नेटवर्क क्या हो गया, 0। 2 को ले आए तो Q1 के वजह से जो फोर्स लगेगा उसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है तो उसके वजह से कितना आता है, दिस वन, ठीक है। एंड Q3 को जब लेके आते हैं तब दोनों के वजह से फोर्स लगता है और उसके अगेंस्ट वर्क करता है तो Q3 का जो पोटेंशियल जी होगा वो इन दोनों के वजह से आएगा, तो ये टर्म आ जाता था, है ना। तो इधर एक चीज नोटिस करना, अगर तुम्हें ये सिस्टम गिवन है तो इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल जी ये है, बट इफ आई आस्क यू व्हाट इज द पोटेंशियल जी ऑफ वन सिंगल चार्ज, वन सिंगल चार्ज का मतलब अगर मैं Q3 फॉर एग्जाम्पल Q3 का पोटेंशियल जी पूछता हूं, ठीक है, Q3 का पोटेंशियल जी को नाम दे देते U3, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3। ओके, तो U3 का जो पोटेंशियल जी होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वो कैलकुलेट करने के लिए वी नीड टू अज्यूम कि ये दोनों चार्जेस ऑलरेडी है वहां पे। अगर ये दोनों चार्जेस ऑलरेडी है फिर Q3 को लाने के लिए जो वर्क लगेगा उसको बोलते हैं पोटेंशियल जी ऑफ दिस चार्ज Q3। ओके, तो Q3 कितना होगा? इफ यू रिमेंबर लास्ट क्लास में बताया था U3 वुड बी ड्यू टू दीज टू, तो इन दोनों की वजह से क्या होगा, K Q1 Q3 by C प्लस के Q2 Q3 by B। इज दैट क्लियर? समझना इस चीज को, ये दोनों अलग चीज है, ये इंडिविजुअल इसका पोटेंशियल जी है और ये पूरे सिस्टम का पोटेंशियल जी है, ठीक है। नाउ यू माइट आस्क मी कि व्हाट अबाउट इफ आई आस्क यू द पोटेंशियल जी ऑफ वन, तो स्टैंडर्ड मिसकंसेप्शन है कि वन का पोटेंशियल जी जीरो होगा, दैट इज रॉन्ग। वन का पोटेंशियल जी जीरो कब होता, जब कोई और चार्जेस नहीं होते। डोंट गेट कन्फ्यूज, इस सिस्टम को बनाते समय मैं वन को पहले ले आया, ठीक है, बट जब सिस्टम बन गया उसके बाद जो वन का पोटेंशियल जी है वो जीरो नहीं है, ठीक है। तो वो कितना है कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी नीड टू अज्यूम कि ऑलरेडी बाकी के चार्जेस है, तो Q2 Q3 ऑलरेडी है मान लो, तब Q1 को लाने के लिए क्या वर्क लगेगा, कितना वर्क लगेगा, दैट वुड बी अगेंस्ट द फोर्सेस एक्सर्टेड बाई Q2 एंड Q3। तो यूजिंग दिस सेम लॉजिक हम लोग क्या लिख सकते हैं पोटेंशियल, लेट्स से इसका पोटेंशियल U1 ले लेते हैं, तो U1 कितना होगा, इट वुड बी के Q1 Q3 by C प्लस इसके वजह से क्या होगा, के Q2 Q3 by A। ओके, नाउ अगर मुझे Q2 का कैलकुलेट करना है, मान लो Q2 का पोटेंशियल U2 है, तो U2 कितना रहेगा पोटेंशियल जी ऑफ द पार्टिकल ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू दीज टू चार्जेस, वो क्या रहेगा बोलो, के Q2 Q1 by A प्लस के Q2 Q3 by B। ओके, तो अभी हमने देखा कि थ्री पार्टिकल सिस्टम अगर है तो उनके उस सिस्टम का टोटल एनर्जी ये होगा एंड इंडिविजुअल चार्जेस का जो एनर्जी होगा वो ये होगा, ये मैं अभी जस्ट लिख के दिखाया था, ठीक है। तो दिस इज़ द सिस्टम्स एनर्जी, ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स का एनर्जी है। मैं यहाँ से एक बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट दिखाता हूँ, व्हाट वुड हैपन व्हेन यू ऐड ऑल दीज थ्री नंबर्स, U1 प्लस U2 प्लस U3 करो, जब इंडिविजुअल पार्टिकल्स का एनर्जीज ऐड करो तो देखो क्या आ रहा है, व्हेन यू ऐड दीज, तो देखो ये वाला टर्म दो बार रिपीट होगा हियर एंड हियर, ये वाला टर्म भी यहाँ और यहाँ रिपीट हुआ, ये दोनों भी रिपीट हुए, तो टू टाइम्स आ जाएगा, टू टाइम्स ये आएगा, मतलब दिस वुड बी इक्वल टू टू टाइम्स यू। तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी
सिस्टम का पोटेंशियल जी हाफ द सम ऑफ पोटेंशियल जी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। ये एक अच्छा फॉर्मूला है। अब मैं इसका एक एप्लीकेशन दिखा देता हूँ, इस फॉर्मूले का। इस फॉर्मूले को आप एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे बहुत हाईली सिमेट्रिक अरेंजमेंट्स हो। जैसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, जो 8 पार्टिकल्स का सिस्टम था, जो 8 पार्टिकल्स थे उनका सिस्टम था, तो उसमें ये देवर 8 चार्जेस, ओके, सारे चार्ज Q एंड साइड है A, ऑलराइट। नाउ अगर मुझे इसका पोटेंशियल जी कैलकुलेट करना है तो आई कुड यूज दिस फॉर्मूला। ये कैसे यूज करूंगा ध्यान से देखना। इफ यू लुक एट इट, ये ब्रैकेट के अंदर क्या है, सारे पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी का सम। अब यहाँ पे हर पार्टिकल सेम है एंड हर पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो भी काफी सिमेट्रिक है, तो इट वॉन्ट रियली मैटर कि तुम ये पार्टिकल सेलेक्ट करो या ये पार्टिकल सेलेक्ट करो, हर पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी, इंडिविजुअल पोटेंशियल जी क्या रहेगा, सेम। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, सिस्टम का पोटेंशियल जी वुड बी हाफ इंटू एक पार्टिकल का पोटेंशियल जी निकाल देते हैं, लेट से दिस वन, इस पार्टिकल का पोटेंशियल जी निकाले तो इसका पोटेंशियल जी कितना होगा, इसका पोटेंशियल जी कितना होगा, साइड्स कितने, 1, 2, 3, तो 3KQ² / A प्लस बॉडी डायगोनल्स कितना, 1, 2, 3, तो 3KQ² √2A प्लस एंड वो फेस डायगोनल्स थे और ये बॉडी डायगोनल कितना, 1 कितना होगा, KQ² √3A। अब ये एक पार्टिकल का हुआ, ऐसे कितने पार्टिकल्स है, देर आर 8 पार्टिकल्स, तो इंटू 8, तो इससे देखो सॉल्व करोगे यू विल गेट द सेम थिंग। देख सकते हैं कि ये 2 और ये 8 क्या हो जाएगा, 4, ब्रैकेट ओपन करो, यू विल गेट 12KQ² / A प्लस 12KQ² √2A प्लस 4KQ² √3A, यही आंसर है इसका, ओके? तो बॉटम लाइन है, इस वीडियो से मुझे ये सिखाना है कि अगर एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, लेट से बहुत सारे चार्जेस है एंड उसके वजह से किसी एक चार्ज पे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है, लेट से ये Q1, ये Q2 एंड सो ऑन, बहुत सारे पार्टिकल्स है, ओके, लेट से दिस इज Qn एंड यू आर सपोज टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज Q। लेट से ये दूरी है R1, ओके, ये है R2, ये है Rn, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी लेट से U है, तो इसका पोटेंशियल जी U क्या रहेगा, इंडिविजुअल चार्जेस का पोटेंशियल जी क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, KQ Q1 / R1 प्लस KQ Q2 / R2 एंड सो ऑन टिल KQ Qn / Rn, ओके? तो इसको जनरलाइज कैसे कर सकता हूँ, एक पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस वुड बी समेशन ऑफ KQ Qi / Ri, ओके? ध्यान रहे ये Ri क्या है, Ri इज द सेपरेशन बिटवीन Qi एंड कैपिटल क्यू, ओके? तो अभी तक हमने देखा कि अगर एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है तो उस सिस्टम ऑफ चार्ज के वजह से एक सिंगल पार्टिकल का पोटेंशियल जी कैसे कैलकुलेट होता है। जो सिस्टम अभी तक देखा था वो डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम था। व्हाट इफ एक एक्सटेंडेड बॉडी है, एक्सटेंडेड बॉडी या फिर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इन दैट केस हमें पता है, हमने पहले के भी वीडियोस में देखा है कि इस पूरे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को छोटे छोटे एलिमेंट्स में तोड़ा जाता है। तो लेट से यहां पे मैंने एक एलिमेंट ले लिया, इसका चार्ज ले लेता हूं DQ, ओके? ना इस DQ चार्ज और इस कैपिटल Q चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है वो है R, ऑलराइट? तो इन दोनों का पोटेंशियल जी क्या रहेगा, DU, दैट वुड बी K टाइम्स
कैपिटल क्यू इंटू डी क्यू बाय ये डिस्टेंस क्या होगा आर। ओके तो ये इस सिस्टम का हो गया एक, ये टू पार्टिकल सिस्टम का, इसको अगर एक पार्टिकल मानो तो एलिमेंट एंड डिस्चार्ज। तो अगर मुझे सारे चार्जेस के वजह से चाहिए, हर एक एलिमेंट के वजह से चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एलिमेंट के वजह से जो पोटेंशियल चाहिए उसको ऐड करना पड़ेगा। और क्योंकि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस है तो ये एडिशन, ये समेशन कैसा होगा, इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल ऑफ दिस चार्ज लेट से इज यू, तो यू क्या रहेगा, इंटेग्रल डी ओ, और इंटेग्रल डी ओ करेंगे तो यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, के सॉरी इंटेग्रल के क्यू डी क्यू बाय आर। ध्यान रहे ये पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, वो सिर्फ इस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का कंसेप्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।